ये डॉगी अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा होता है, मालिक को अपने मनपसंद खाना खाने का मन करता है, लेकिन वो ये सोचकर उसे नहीं खरीदता कि उसके डॉगी का भी मनपसंद खाना खत्म हो गया है और उस पर इतने पैसे नहीं है कि वो दोनों चीज खरीद पाए। डॉगी भी अपने मालिक की मजबूरी समझ जाता है। अब अगले दिन मालिक तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है और डॉगी भी कल की बात सोचकर अपने मालिक की इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकल जाता है। अब डॉगी देखता है कि एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खाली है, इसलिए वो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। और ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, और उस बिल्डिंग के लोगों की पूरे दिन मदद करता है। दोस्तों इधर डॉगी अपने मालिक के लिए काम कर रहा है और उधर मालिक अपने डॉग के लिए। अब डॉगी को पूरे दिन की मेहनत से जो पैसे मिलते हैं वो इसने इस कुत्ते ने आपको बोला ऐसे मतलब मुंह से बोला तो आप कहाँ से बोलते हैं? एंटरटेनमेंट इनको बताओ, आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया देखा, भाव बढ़ गया। अपने मालिक के लिए उसका मनपसंद खाना खरीद कर घर ले जाता है और अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। अब जब उसका मालिक घर लौटता है तो डॉग के पास उसका मनपसंद खाना देखकर इमोशनल हो जाता है और वो डॉग देखता है कि मालिक भी उसका मनपसंद खाना खरीद कर लाया है। अब दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के